तो जो पहला चैप्टर हमारे फिजिक्स का है वो है बच्चों फिजिकल वर्ल्ड। पर ये आवाज आ रही मेरी, सुनाई दे रहा तुम्हें? यस सर। तो जो पहला चैप्टर है बेटा वो इन्वेंशन और इन्वेंटर से रिलेटेड है कि इसमें कौन कौन से इन्वेंशन हुए हैं, किसने किसने क्या क्या इन्वेंट किया है। तो बच्चों जस्ट ये आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये चैप्टर है। और आपके एग्जाम में ये कितने मार्क्स का आना है? एग्जाम में 3 मार्क्स का। तो ये 3 मार्क्स का आएगा, वो भी मुझे लगता है बच्चों की केवल फर्स्ट टर्म में इससे क्वेश्चन आता है और उसके बाद ना सेकेंड टर्म में आता है ना फाइनल में आता है। तो ये जो चैप्टर है इसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, इसको बस ये कि थोड़ा रात के सोते समय किताबें वगैरह खोल लो, इसको देख लो, तो आपको थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि टेलीविज़न किसने बनाया। तो आपने सुना होगा टेलीविज़न J.L. बेयर्ड ने बनाया है ना। आपने सुना होगा फ़ोन जिससे हम बात करते हैं, टेलीफोन किसने बनाया? तो टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बनाया। तो ये थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए कि फिजिक्स के क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण डिस्कवरी इन्वेंशंस हुए हैं वो किसने किए हैं। ये थोड़ा सा जानकारी के लिए ये पहला चैप्टर है। और थोड़ा सा हल्का सा इसमें जानकारी नहीं मिलेगी फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, तो वो तो मैं आपको अलग से बताऊंगा। फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं, नाम सुन के आप थोड़ा सा चकित हो गए होंगे कि फंडामेंटल फोर्सेस। मैं बोलूँगा आज तक आपने कितने टाइप के फोर्स पढ़े, तो आप बोलोगे सर मैं जानता हूँ एक तो फोर्स, सर एक सर मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जानता हूँ, सर मैग्नेट के पोल्स के बीच में फोर्स लगता है, ठीक है। और कौन सा फोर्स जानते हो बताओ बच्चों? सर कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब उनको बोल सकते हो मैकेनिकल फोर्स। यस सर। मैकेनिकल फोर्स जानते हैं। और मोस्ट ऑब्वियस आप एक जानते होगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यस सर, ये तो जानते ही होगे ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लास 9th में आपने पढ़ा है। बट अब हमारे सामने कई टाइप के फोर्सेस आने वाले हैं, तो उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, जिसमें एक होता है बेटा न्यूक्लियर फोर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना तो आपको पता होगा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं। yes, और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, दूसरा प्रोटॉन भी पॉजिटिव होता है। इतने ज़बरदस्त रिपल्सन के कारण भी यहाँ पर एक बहुत गजब वाला फोर्स होता है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स जो इसको बांधे रखता है। yes, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियर फोर्स है और भी कई सारे फोर्सेस आएंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। 11th क्लास की फिजिक्स ऐसी है कि आपके लिए इंटायरली नई है, तो आपको कुछ भी यहाँ पर बोर करने वाला नहीं मिलेगा। जो भी मैं बोलूँगा वो आपका पुराना पढ़ा हुआ नहीं होगा ज़्यादातर, तो आपको कुछ भी बोर जैसा नहीं लगेगा 11th क्लास में, और जितना पढ़ते जाओगे उतना बेहतर है आपके लिए। दूसरा टॉपिक जो हमारे पास है भाई फिजिकल वर्ल्ड के बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसका नाम है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। तो इसमें इस टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपके एग्जाम में करीब 7 मार्क्स का आएगा, ठीक ना। यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट इस 7 मार्क्स का आएगा। तो इस टॉपिक को मैं डिटेल में, ये मेरा मेन जो टॉपिक है वो यही एक्चुअली यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड टॉपिक। पहले टॉपिक को मैं बीच बीच में कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे फलाना आविष्कार किसने किया, ये किसने बनाया, वो किसने बनाया, तो खाने के बाद जैसे सौंफ खाते हैं वैसे थोड़ा थोड़ा बीच में मैं उसको हाजमोला के जैसे मैं आपको करवाता रहूँगा बीच बीच में मज़ेदार तरीके से। बट मेन अपना जो टॉपिक फोकस कर रहे हैं हम लोग वो यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट फोकस कर रहे हैं। चलो समझ में आया परी, क्लियर हुआ यहाँ तक जितना मैंने बात बताई आपको? यस सर। ओके, अब इसमें चैप्टर का नाम है भैया यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। ये देखिए यूनिट एंड मेजरमेंट, इसमें मैंने डायमेंशन अपनी तरफ से जोड़ दिया क्योंकि वो बीच में आएगी, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो चैप्टर को खोल करके पहले बात कर लेते हैं भाई यूनिट क्या होती है। यूनिट क्या होती है, पहली बात आपके सामने यूनिट आ गई, यूनिट क्या होती है? तो यूनिट होती है एक स्टैंडर्ड होती है। ओके, और मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, उसको मापना। तो मापने के लिए, किसी भी चीज़ को मापने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है? यूनिट की। क्योंकि जब तक आपके पास यूनिट नहीं है, यूनिट का मीनिंग होता है एक, और एक से बनेगा अनेक। तो जब तक आपको पता नहीं कि एक कितना है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। बोलो यस कि नो। यस सर। हाँ भाई, ये कुछ है, ये आपको मैंने कुछ दिया इसको मापने के लिए कि कुछ आपको जो है यहाँ पे इसको मापना है। Yes. मैंने आपको कहा कि कुछ आपको मैंने सपोज कोई भी चीज़ है, ये लेंथ है, ये मैंने मापने को दी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर लेंथ को तो मापना है, मगर लेंथ को मापने की यूनिट क्या है सर, स्टैंडर्ड क्या है? लेंथ को मैं किस में नापूंगा? स्टैंडर्ड।
ठीक ना। तो फॉर एग्जांपल आप लेंथ को इसको नाप करके आप बोल देते हो सर ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो अब इस 10 सेंटीमीटर की फीलिंग समझो फिजिक्स क्या कहती है। फिजिक्स कहती है 10 सेंटीमीटर मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 सेंटीमीटर। हाँ जी फिजिक्स ये कहती है, फिजिक्स कहती है 10 सेंटीमीटर कुछ नहीं होता है, फिजिक्स कहती है 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 सेंटीमीटर होता है। तो 10 मल्टी और ये क्या हो गई, ये जो आपने नापी है किसी भी ऐसी कोई भी चीज़ फिजिक्स में जिसको आप माप सकते हो बेटा उसको बोलते हैं क्वांटिटी। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी इन ए फिजिक्स, एनीथिंग दैट कैन बी मेजरेबल इज कॉल्ड क्वांटिटी। तो ये क्या है, ये क्वांटिटी हो गई। अब क्वांटिटी 10 सेंटीमीटर तो दैट इज यू कैन राइट इट 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर का 10 गुना, कि आपने जो लेंथ नापी है वो 1 सेंटीमीटर का कितने गुना है, 10 गुना है। फिजिक्स ये बात बताती है। आपने कहा कि क्वांटिटी, आपने कहा कि भाई मेरा जो फोर्स है वो है 4 न्यूटन, फोर्स को न्यूटन में नापते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 न्यूटन मतलब जो आपने फोर्स लगाया है वो 1 न्यूटन का कितने गुना है, 4 गुना, 4 गुना है। तो ये चीज़ होती है बेटा क्वांटिटी। और क्वांटिटी को नापने के लिए हमारे पास सबसे पहले फॉरमोस्ट चीज़ जरूरी है यूनिट, क्योंकि यूनिट को हिंदी में बोलते हैं पैमाना, पैमाना कह लो या इसको स्टैंडर्ड कह लो। यस सर, स्टैंडर्ड। कोई भी चीज़ दुनिया में आपको नापनी है तो उसको नापने के लिए सबसे फंडामेंटल स्केल क्या है वो पता होना चाहिए कि मैं उसको किसके ऊपर नापूँ, मैं क्या नापूँ। जैसे आपको किसी का वेट मेज़र करना है या आप किसी को मास निकालना चाहते हो, तो मास निकालोगे तो आपके पास मान लो आया 10, 10 के बाद क्या लिखोगे, ग्राम। तो ये जो ग्राम आपने लिखा है किस में नापा, दैट इज कॉल्ड यूनिट। और ये इसका है मैग्नीट्यूड, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो किसी भी क्वांटिटी में बेटा दो चीज़ होती हैं, कोई भी क्वांटिटी में दो चीज़ होती हैं, एक उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और उस क्वांटिटी की यूनिट, यूनिट। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एन, एन इज कॉल्ड न्यूमेरिक, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। तो एन इज कॉल्ड न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। एंड यू फॉर यूनिट। तो भैया कोई भी फिजिक्स की क्वांटिटी है वो दो चीज से बनी है, क्यू इक्वल टू एन यू। लाइक आपने लिखा मास, आपने लिखा मास इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम। तो ये इसका है मैग्नीट्यूड और ये है इसकी यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को व्हाट यू कैन राइट, यू कैन राइट रिटन राइट एनी फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ क्यू इक्वल टू एन इनटू यू। सो दिस इज द फर्स्ट फार्मूला ऑफ योर चैप्टर, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्यू इक्वल्स टू एन इनटू यू। अंडरस्टूड गाइस? यस सर। एनी फिजिकल क्वांटिटी इन द फिजिक्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्यू इक्वल टू एन इनटू यू, वेयर एन इज द न्यूमेरिक डेटा एंड यू इज द यूनिट, एन इज द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड यू इज कॉल्ड यूनिट। अब इसमें एक चीज़ मैं रिलेशन बता दूँ आपको, आप फील कीजिए, बहुत मस्त बात बता रहा हूँ आपको बेटा। ये आपके पास है 1000 किलोग्राम, आपको मैंने लिखा दिस इज 1000 ग्राम सपोज, एंड यहाँ लिखा मैंने 1 किलोग्राम। देखिए जरा आप फीलिंग ये कीजिए, बताइए ये दोनों क्वांटिटी एक ही हैं कि अलग अलग हैं? सेम है बट फर्क क्या है, इसमें इसका यूनिट, यूनिट छोटी है इसमें और मैग्नीट्यूड बड़ा है। अब इसमें यूनिट बड़ी है और मैग्नीट्यूड छोटा है, मतलब क्या समझ में आया कि यूनिट आप जितनी बड़ी लोगे मैग्नीट्यूड इतना छोटा होगा, और यूनिट जितनी छोटी लोगे मैग्नीट्यूड उतना बड़ा होगा। मतलब क्यू यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। क्यों, क्या बताया था मैंने, क्यू इक्वल्स टू होता है एन इंटू यू, Q इक्वल्स टू होता है एन इंटू यू। बोलो यस कि नो? यस सर। क्यू इक्वल्स टू एन इंटू यू। और आप किसी भी क्वांटिटी को चाहे कितने उसमें लिख दें, कितने टाइप में लिख दें, ग्राम को, किलोग्राम या कुछ भी सेंटीग्राम करके लिख दें, तो एक फॉर्मूला बन सकता है आपके पास, जैसे एन वन यू वन इक्वल्स टू एन टू यू टू। ये क्या है भाई, ये एन वन यू वन एन टू यू टू। लाइकवाइज आपने यहाँ पे लिखा ना 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 किलोग्राम, यस चेंज हो रहा है देख लो, यहाँ पे n1 है 1, यहाँ पे n2 हो गया 1000, और यहाँ nu1 है किलोग्राम, और यहाँ पे हो गया सॉरी दिस इज ग्राम, u2 हो गया ग्राम। तो n1 u1 इक्वल टू n2 u2 मतलब जितनी बड़ी आपकी यूनिट होगी उतना छोटा मैग्नीट्यूड, और जितना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा उतनी छोटी यूनिट। तो अपने पास मेनली फार्मूला क्या बना, बन के आया n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू u2 अपॉन u1। लिखिए n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू u2 अपॉन u1।
ओके एन वन अपॉन एन टू इक्वल टू यू टू अपॉन यू वन. बेटा ये देखिए ये रिलेशनशिप अद्भुत है. इस रिलेशनशिप में देखिए एन वन के सामने यू टू आ रहा है और यू टू एन टू के सामने यू वन आ रहा है. तो बेटा कभी भी वन के सामने वन ऊपर इधर दो तो इधर नीचे पहुंच जाए. इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप. बेटा तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू. ये देखिए ये लिखिए इस टाइप की रिलेशनशिप जिसमें वन वन का जोड़ीदार वन ना बने टू बने तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप. मतलब एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू. बोलो समझ में आया? हाँ यस सर. बहुत अच्छे समझिएगा. जहाँ डाउट हो जरूर पूछिएगा. फिजिक्स बहुत बड़ी है बेटा, बहुत भयंकर बड़ी है, है ना. आप इलेवेंथ क्लास का सिलेबस तो फिजिक्स का पूरा साल भर में नहीं कर पाओगे अच्छे से. मतलब मोटा मोटी मैं तो करवा दूंगा, हर कोई करवा देगा, बट जिसको कहते हैं ना कि गारंटी नहीं ले सकते हो कि एक एक लाइन आपसे बनेगी, ना किसी से बनी ना किसी से बनती है. तो जितना ज़्यादा पढ़ जितना भी पढ़ रहे हो ये कोशिश करना कि हमें उतना अच्छे समझ में आ जाए बस. तो देखो मैं क्या कह रहा था, मैं आपसे कहा मैंने कि एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू. चाहे आप कोई भी क्वांटिटी लो, चाहे इधर यू कैन राइट इट 1 किलोग्राम और यू कैन राइट इट 1000 किलोग्राम. बस 1000 ग्राम हेर फेर क्या होता है, नंबर बड़ा होगा तो यूनिट छोटी हो जाएगी और नंबर अगर छोटा हो जाएगा तो यूनिट बड़ी हो जाएगी. तो मैंने आपको बताया एन वन अपॉन एन टू इक्वल्स टू यू टू अपॉन यू वन और यू कैन से एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू. नोट कर लो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू या यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन. इसका मीनिंग क्या है इस पर बात करते हैं. यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, इसकी मीनिंग की बात करते हैं. इसकी मीनिंग आपसे ये बोलती है कि यूनिट जितनी बड़ी करोगे नंबर उतना छोटा आएगा. नंबर जितना छोटा होगा यूनिट उतनी बड़ी होगी और नंबर जितना बड़ा होगा यूनिट उतनी छोटी होगी. बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर क्लियर. इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप यही कहती है कि नंबर जितना बड़ा होगा यूनिट उतनी छोटी होगी और नंबर जितना छोटा होगा यूनिट उतनी बड़ी होगी. ये चीज़ कहलाती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल की रिलेशनशिप. अब इसको एक और दूसरे तरीके से देख सकते हो बच्चों. फिजिक्स में आपको एक तरीका कभी सफलता नहीं दिला सकता है. फिजिक्स में आपको एक ही चीज़ को कई तरीके से देखना पड़ेगा. युवराज स्केल लेके आ जाओ. ठीक ना? तो ये आपके अब फिजिक्स में एक चीज़ को कई तरीकों से देखना पड़ेगा. अब वो दूसरा तरीका क्या है? मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने दिखाया आपको क्यू इक्वल्स टू एन वन यू वन इक्वल्स टू एन टू यू टू. अब मैं कहता हूँ तीसरे तरीके में लिख दिया आपने तो एन थ्री यू थ्री. सर जी कैसे? देख लो बच्चों, मैंने कहा वन मीटर वन मीटर. अब देखो यहाँ पे है वन और यहाँ पे है मीटर. इक्वल टू 10 डेसीमीटर. बिल्कुल सही बात है. वन मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. बिल्कुल सही बात है. वन मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. अब देखो तीनों बातें एक ही हैं बट इसमें न्यूमेरिकल इसमें जो मैग्नीट्यूड है वन है, इसमें 10 है और इसमें क्या है 100. और इसमें देखो जो यूनिट है मीटर है, इसमें डेसीमीटर है और एक में क्या है सेंटीमीटर है. अब यूनिट जितनी छोटी हो रही है मैग्नीट्यूड उतना बढ़ रहा है. बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? यस सर. बट एक कॉमन बात है कि n और u का मल्टीप्लाई हमेशा क्या है कांस्टेंट है. वो मल्टीप्लाई हमेशा आपको कांस्टेंट निकलेगा और वो 1 मीटर ही होगा. तो n इंटू यू इक्वल टू कांस्टेंट आप लिख सकते हैं. n इंटू यू इक्वल टू कांस्टेंट तो आप क्या लिखेंगे? n इंटू यू कांस्टेंट को कोई नाम दे दो k. n इंटू यू इक्वल टू k तो n इक्वल्स टू k अपॉन यू. k अपॉन यू पिछले साल आपको याद होगा v प्रोपोर्शनल टू i. प्रोपोर्शनल हटाते थे तो कांस्टेंट आता था तो v इक्वल्स टू r i. प्रोपोर्शनल हटता था तो कांस्टेंट आएगा. इस बार कांस्टेंट हटेगा तो प्रोपोर्शनल आएगा. तो n इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई यू. नोट करो ये आ गया फॉर्मूला. तो इसी चीज़ को देखने का ये दूसरा नज़रिया है. n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u. बोलो समझ में आया? यस सर. हाँ तो इसी चीज को देखने का दूसरा तरीका है. n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई यू.
क्लियर बच्चों? यस सर। ओके, तो अब बात करते हैं अगली चीज पे। अगली चीज है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारी पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी कोई चीज जिसको मेजर किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। ऐसी कोई चीज जिसको आप माप सकते हो। आप अपने गुस्से को माप नहीं सकते, इसलिए गुस्सा आपकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आप प्यार को नहीं माप सकते हो, इसलिए आपका प्यार फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आप अपनी हेट्रेड को या हेट्रेड लव को, अफेक्शन को नहीं माप सकते हो। सो दीज आर नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, बट द थिंग्स दैट कैन यू मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यू कैन मेजर मास, एग्जैक्टली, सो मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। यू कैन मेजर लेंथ, सो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। यू कैन मेजर टाइम, दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। यू कैन मेजर स्पीड, स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। यू कैन मेजर फोर्स, सो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सो एनी फिजिकल क्वांटिटी मे बी एक्सप्रेस एज द फॉर्म ऑफ क्यू इक्वल्स टू एन इन टू यू, वेयर एन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी एंड यू इज द यूनिट। यू इज द यूनिट। सो दिस इज फिजिकल क्वांटिटी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सो लेट्स कम टू द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, लेट्स सी देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के टाइप कितने हैं, इन पर चर्चा की जाएगी कि फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स कितने हैं। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के डिफाइन की गई हैं। वन इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो भैया, पहली है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। पहली है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल को हिंदी में बोलते हैं मूल, दैट इज कॉल्ड मूल। मूल मतलब बेसिक, बेसिक बेसिक मतलब आधार। आधार मतलब जानते हो ना, बेसिक का मतलब क्या होता है? पिज्ज़ा खाया आपने, पिज्ज़ा, पिज्ज़ा में बेस हुआ करता है और उसी बेस के ऊपर सारा कुछ, सारा मटेरियल रहता है। अगर आप इस बेस को हटा लोगे तो पिज्ज़ा का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जी हाँ, तो ऐसी क्वांटिटी जो किसी से बनाई नहीं जाती है बल्कि बाकी क्वांटिटी उस पर बनाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड बेस। एग्जाम्पल के लिए, जितने भी फास्ट फूड बनते हैं, सारे फास्ट फूड, मैक्सिमम फास्ट फूड जो होते हैं वो मैदा पर बेस्ड होते हैं। तो मैदा क्या हो गया? बेस हो गया। और उस पर आप चाहे तो अपना क्या बोलते हैं यार, वो आजकल बहुत चलता है, सड़क के किनारे बेचते हैं गरम गरम करके, मोमोज। मोमोज, एग्जैक्टली। चाहे आप मोमोज बना लो, चाहे आप उस पर चाउमीन, चाउमीन भी मैदे से समवट, इसको मत करो ऐसा, चाउमीन तो नहीं है, और मैदे की डिश बना लो, पिज्ज़ा बना लो, ठीक ना, बर्गर बना लो, रोल बना लो, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मैदे से। तो मैदा इज़ लाइक अ बेस। और ये क्या है? ये इस बेस से बनने वाली डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्वांटिटी, यस। सो मैदा, मैदा फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको कोई पैदा नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं हूँ मैदा, नहीं करेगा कोई पैदा। सो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको कोई पैदा ना कर सके। एक तरीके से आप क्वांटिटी की फीलिंग लाओ, है नहीं मैदा कोई क्वांटिटी है, है ना? तो मैदे के जैसे क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। और ये जो बाकी जो बन रहे हैं मोमोज वगैरह, है ना, पिज्ज़ा वगैरह, ये डिराइव्ड है इस पर। तो आइए समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती हैं, एक होती है फंडामेंटल, एक होती है डिराइव्ड। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। वन इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एंड सेकेंड आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यार फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ओके, द क्वांटिटीज विच कैन नेवर बी डिराइव्ड, जिनको कोई डिराइव नहीं होता है, और दे आर डिफाइंड कंप्लीटली ऑन देम सेल्फ, जो अपने आप में पूर्ण रूप से परिभाषित होती हैं, कंप्लीटली डिफाइंड ऑन देम सेल्फ,
जो खुद में कंप्लीटली डिफाइन होती हैं, जो अपने आप में परिपूर्ण होती हैं, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो अपने आप में परिपूर्ण होती हैं, जो किसी से बनी नहीं है। एग्जांपल के लिए मैं कहूँगा मास, मैं कहूँगा टाइम और मैं कहूँगा लेंथ। तो आपने आज तक मास का कोई फार्मूला नहीं देखा होगा, आपने टाइम का कोई फार्मूला नहीं देखा होगा, लेंथ का कोई फार्मूला नहीं होता है। तो ये ऐसी क्वांटिटी है जिनको कोई डिराइव नहीं कर सकता है, जो अपने आप में सेल्फ एग्जिस्टिंग है, सेल्फ डिफाइंड है, उनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बट आइए अब डिराइव क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँगा एरिया, तो एरिया, एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये लेंथ और ब्रेथ क्या है भाई? लेंथ तो लेंथ है, ब्रेथ भी तो लेंथ है, एक दूसरे डायरेक्शन में नापी हुई। क्योंकि अगर आप इसको मीटर में नापते हो तो इसको भी तो मीटर में ही नापते हो। तो ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। तो ध्यान से देखो, मीटर और मीटर मतलब लेंथ के खुद के ही कॉम्बिनेशन से जो क्वांटिटी बनी, दैट इज कॉल्ड एरिया, एंड द यूनिट इज मीटर स्क्वायर। सो दिस अ डिराइव क्वांटिटी। तो ये एक डिराइव क्वांटिटी है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, डिराइव क्वांटिटी हो गई, एरिया इज अ डिराइव क्वांटिटी, एंड दिस मास लेंथ टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, तो ये हो गई फोर्स को कहेंगे डिराइव क्वांटिटी। फोर्स, एग्जैक्टली, फोर्स डिराइव क्वांटिटी है। अब तो देखो स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, स्पीड क्यों है डिराइव क्वांटिटी? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में नापते हो? मीटर में। टाइम किस में नापते हो? सेकेंड में। ये देखो, ये पापा यहाँ बैठे हैं मीटर के लिए, ये लेंथ बैठी है। लेंथ किसी से नहीं बनी है, लेंथ की यूनिट है मीटर। तो ये मीटर, ये वाला यूज़ हो गया और टाइम ये वाला यूज़ हो गया, तो मीटर और सेकेंड दोनों से यूज़ हो रहा है, तो डेट इज़ डिराइव क्वांटिटी। अब आपने फोर्स की बात कही, मैं बता देता हूँ फोर्स का फॉर्मूला, याद होगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास और एक्सेलरेशन से बनाया, तो ये भी कैसी क्वांटिटी है? डिराइव क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी के यूज से बनती है, दोज आर कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिनका कोई यूज़ नहीं है, जिनको कोई मतलब साइड में यूज़ नहीं करता है, तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो अपने आप सेल्फ डिफाइंड होती है। लाइक इन अवर हिंदू मैथोलॉजी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सेल्फ डिफाइंड देवता हैं। बट गणेश भगवान सेल्फ डिफाइंड नहीं है, गणेश भगवान शिव और पार्वती से डिफाइंड है। यस और नो? यस सर। कार्तिक भगवान शिव और पार्वती से डिफाइंड है। तो ये लोग सेल्फ डिफाइंड, जो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव जो हैं, वो एक तरीके से वो हमारे फंडामेंटल्स हैं, समझ गए? सो दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी भैया, ये फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाते हैं। सो मास, टाइम, लेंथ, ये अपने हो गए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और ये हो गए डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अब जान लो यार यूनिट के बारे में, अब आ जाओ यूनिट, यूनिट, अब यूनिट के बारे में बात कर देता हूँ। यूनिट क्या होती है? यूनिट इज अ स्टैंडर्ड, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। लिखो, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, और यू कैन से स्केल, स्केल ऑफ मेजरमेंट, दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ठीक है ना, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। चलो ये हो गया। तो यूनिट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है जिसको पूरे वर्ल्ड में हर जगह एक्सेप्ट किया जाए, मतलब वो बायस्ड ना हो, मतलब उसमें भेदभाव ना हो, दैट इज कॉल्ड यूनिट। जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो, किसी भी दुकान में जाते हो, आइदर ये शॉप नंबर वन में जाओ, ये शॉप नंबर टू में जाओ, ये शॉप नंबर थ्री में जाओ, ये शॉप नंबर फोर में जाओ, आपको 1 kg टमाटर लेना है तो ये भी आपको 1 kg देगा, ये भी आपको 1 kg देगा, ये भी आपको 1 kg देगा, ये भी आपको 1 kg देगा। क्यों? क्योंकि इन सब की जो ये स्टैंडर्ड यूनिट है, चारों के लिए वो स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम है, और चारों के लिए सेम है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, सेम है। दैट्स वाई इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इसलिए इसको यूनिट बनाया गया। अब ऐसा हुआ, इसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होने के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। रोम का एक राजा था, उसने कहा कि जो भी चीज़ें मेरे राज्य में मेज़र की जाएंगी वो
वो मेरे पैर के लेंथ से मेजर की जाएंगी. सो यू सेइंग लेंथ ऑफ द फिट. उसने कहा कि जो भी चीज़ मेजर होंगी मेरे यहाँ वो मेरे पैरों की लेंथ से मेजर की जाएंगी. समझ में आया बेटा? यस सर. तो उसने क्या किया? उसने क्या किया? उसने चला दिया फिट. उसने चला दिया फिट. अब ये फिट जब चला तो बड़ी मस्त मस्त चीजें सामने आई. अब ये क्या होता है भैया फिट चलने से? देखो, उसने चला दिया बंदे ने फिट. फिट रूम के राजा ने कहा कि फिट मेरा चलेगा या यार्ड चलेगा. यार्ड मतलब हाथ की लंबाई, फिट मतलब पैर की. तो राजा लंबा था, राजा लंबा था इसलिए उसके पैर लंबे थे. तो जो लोग कपड़े खरीदने जाते थे उन्हें बड़े कपड़े मिलते थे. अब वो राजा युद्ध में हार गया, नया राजा आ गया. रोम की परंपराओं के अनुसार राजा के पैर का ही मेजरमेंट लिया जाता था. नए राजा छोटा था, ठिगना था, उसके पैर छोटे थे. तो अब जो लोग एक फिट कपड़ा खरीद के ले गए थे उनके एक फिट में नए वाले राजा के हिसाब से दो फिट निकल रहे थे क्योंकि नया राजा छोटा था. तो बड़ी दिक्कत हो गई. लोगों ने सोचा कि आज भैया एक फिट का है, कल दो फिट का है, फिर डेढ़ फिट का आएगा. ऐसे तो भैया चीज़ें बदलती रहेंगी. तो ये चीज़ें यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं थी. तो ऐसे मेजरमेंट के कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई जो कभी भी ना बदलें. तो कभी भी ना बदलने के हिसाब से डिफाइन की गई फंडामेंटल यूनिट. फंडामेंटल यूनिट डिफाइन की गई जो कभी बदलने वाली नहीं है. अब वो फंडामेंटल यूनिट क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है ना? अपने इंडिया में भी कन्वेंशनल कुछ यूनिट चलती हैं, फंडामेंटल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट चलते हैं. आपने देखा होगा हाथ का बित्ता, एक बित्ता, दो बित्ता, तीन बित्ता. अब भैया हाथ गज, के बित्ते में गज भी चलता है. एग्जैक्टली है ना? अब बित्ते की बात की जाए भैया तो छोटे बच्चे का बित्ता तो हाथ का बहुत छोटा होता है और बड़े बच्चे का बित्ता जो होता है वो बहुत बड़ा हुआ करता है. नॉर्मली जब क्रिकेट में भी हम क्रिकेट जब खेलने जाते हैं तो कहते हैं 22 कदम की पिच होती है. तो अगर कोई बड़ा भैया आ गया पिच नापने के लिए 22 कदम की 22 यार्ड्स की पिच, तो वो जो पिच होगी अच्छी बड़ी निकल जाएगी. और अगर कोई छोटा बंदा आ गया नापने के लिए तो वो पिच एकदम छोटी निकल जाएगी. बोलो होता है कि नहीं होता? यस सर होता है. हाँ यस सर. तो ये मेज़रमेंट की परेशानियाँ थी. तो क्या हुआ? यूनिफॉर्मली पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड सिस्टम तैयार किया गया. तो मेज़रमेंट के सिस्टम आए, है ना? सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट को ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोला गया. तो पहले इसका नाम था सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट, बाद में फाइनली इसका नाम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कर दिया गया. तो जो आपके सामने सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट आए, मेज़रमेंट्स, मैं उनको बारी बारी से आपके सामने रखता हूँ. कई सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट सामने आए लोगों के. इसमें से है एक CGS. CGS के बाद आता है MKS. एक्चुअली बाद में नहीं आते, ये अलग अलग कंट्री अपना अपना चला रही होती हैं और एक जगह चल रहा होता है FPS. और लास्ट में फाइनली 1960 में सब जनों को बैठाल करके एक टेबल पे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड सिस्टम आया, SI. SI सिस्टम आता है. तो CGS में क्या था? CGS जो था वो था ब्रिटिश सिस्टम. ये ब्रिटिश सिस्टम था, ये ब्रिटेन के लोग चलाते थे. ब्रिटिश, आई थिंक ये फ्रेंच था, सॉरी, दिस वॉच फ्रेंच. तो सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड. तो ये जो CGS सिस्टम था इसमें ये माना गया, ये कहा गया कि लेंथ को नापा जाएगा सेंटीमीटर में, मास को नापा जाएगा ग्राम में और टाइम को नापा जाएगा सेकेंड में. फिर MKS सिस्टम ने क्या कहा? MKS सिस्टम जो था उसमें ये कहा गया कि हम मास को, लेंथ को नापेंगे मीटर में, मास को नापेंगे किलोग्राम में
और टाइम को नापेंगे सेकंड में, ये कहा गया। एफपीएस जो कि ब्रिटिश सिस्टम था, ब्रिटिश, ये ब्रिटिश सिस्टम था, तो इसमें क्या कहा गया कि हम लेंथ को नापेंगे फुट में। आज भी इंडिया में लेंथ फुट में नापी जाती है, कोई प्लॉट लेने जाइए तो ये फुट में ही नापा जाता है, क्योंकि इंडियन जो सिस्टम है पूरा अंग्रेजों का गुलाम था, इसलिए आज भी हमारे यहाँ फुट में प्लॉट बिकते हैं। बहुत सारी मेज़रमेंट इंडिया में फुट में ही होती है, मैक्सिमम मेज़रमेंट फुट में होती है, घर वर तो फुट में ही बनते हैं, स्क्वायर फुट, स्क्वायर। कारपेंटर भी, कारपेंटर भी फुट में करता है, फ्लैक्स लेने जाओ फुट में बनता है, ठीक ना, कपड़े भी लेने जाओ तो फुट और इंची में कपड़े नपते हैं। मतलब भले अपन सिस्टम अब SI को अडॉप्ट कर चुके हैं, बट अभी भी वही हम भर्रा चल रहा है जो पुराना था। पाउंड, ये वेट को नापने के लिए आया था, मास को नापने के लिए पाउंड। सर पाउंड तो ब्रिटिश ज़्यादा अमेरिकन यूज़ करते हैं। ये पाउंड जो है भाई, आपको याद होगा पाउंड वेट नाप, मास नापने का तरीका, और आज भी हम लोग जो केक खरीदते हैं वो पाउंड में आता है, 3 पाउंड का केक दे दो, किलोग्राम में नहीं आता है। तो ये अमेरिकन्स, और अगर आप ब्रिटिश की करेंसी की बात करें अब तो यूरो हो गया है, पहले वहाँ पे पाउंड चलता था, याद है? यस सर। हाँ तो यूरो अभी भी चलता है। हाँ यूरो अभी भी चलता है, हाँ है ना। तो ये पाउंड था। अब देन उसके बाद में एस फॉर सेकेंड, तो ये सिस्टम था। सबको डंडा करते हुए बाद में SI सिस्टम आता है, SI कहता है यार तुम अपनी कंट्री में अलग चला रहे हो, तुम अपनी कंट्री में अलग चला रहे हो, हम कोई मैनुअल मनाते हैं तो तुम फुट में लिख के भेजते हो, तुम मीटर में लिख के भेजते हो, तुम सेंटीमीटर में लिख के भेजते हो, क्या हम ज़िंदगी भर हम कन्वर्जन करते ही रह जाएंगे? तो सारे देशों को मिला करके एक जगह है, क्या नाम है यार उसका, SI का जहाँ पे मुख्यालय है, ऑस्ट्रिया के आसपास है, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, देख लेना गूगल में कि SI का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, जरा देखो यार, देख सकते हो क्या अक्षत? यस सर देख रहे हैं। हेडक्वार्टर ऑफ SI देखो कहाँ पे है, हैग में, हैग में नहीं है, हेडक्वार्टर ऑफ SI सिस्टम ऑफ इंटरन, जिनेवा, देखो भाई कहाँ है वियना, जिनेवा हेडक्वार्टर कहाँ पे, पता चला? सर इंटरनेशनल ब्यूरो करके आ रहा है। हाँ बताओ कहाँ है, बता रहा कहा, यूनाइटेड स्टेट्स? नहीं नहीं नहीं, SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, SI जैसे IUPAC का जिनेवा में है ना, IUPAC केमिस्ट्री की जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल संस्था है, ऐसे SI जो है फिजिक्स की इंटरनेशनल मेजरमेंट जो है, लिखो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मेजरमेंट, या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स, पूरा नाम लिखो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स हेडक्वार्टर, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट हेडक्वार्टर, सर सेवरे आ रहा है पेरिस के पास। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, सही है एकदम, एग्जैक्टली यही है, यही है सेवर, SEVER ना? यस सर SEVER। हाँ ये जगह है, बिल्कुल सही, सेवरे पेरिस के पास ये जगह है, तो वहाँ पर इसका ये मुख्यालय बना हुआ है सेवरे में। तो सेवरे में 1960 में जो मीटिंग होती है उसमें ये डिसाइड किया गया कि पूरे वर्ल्ड वाइड हमारे स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड होंगे SI के, और SI ने अपनी यूनिट्स प्रेजेंट करी वर्ल्ड के सामने, और SI ने कहा कि आज के बाद हमारी यूनिट मानी जाएगी, और SI का पूरा नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये थोड़ा सा ये जो शब्द है ये DV है, उनकी खुद की लोकल लैंग्वेज से प्रभावित है, इसका मीनिंग मुझे भी नहीं मालूम है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स, दी साइड द सम्मान में लगाया गया होगा, डोंट नो। तो ये कहा गया है, तो इन लोगों ने कहा कि हमारी जो यूनिट है इन्होंने
दुनिया में कहा कि जो पूरी फिजिक्स की दुनिया है वो 7 फंडामेंटल यूनिट से चलेगी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से चलेगी। और क्वांटिटी तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही थी, लड़ाई तो यूनिट की थी, मास तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था एशिया वालों के लिए भी अफ्रीका वालों के लिए, बट इन लोगों ने लड़ाई क्या शांत कराई, इन्होंने कहा जितना मास है आज के बाद केवल किलोग्राम में मेज़र किया जाएगा, जितनी लेंथ है आज के बाद केवल मीटर में एक्सेप्टेड होगी यूनिवर्सली, जितना टाइम है आज के बाद यूनिवर्सली केवल किस में एक्सेप्ट होगा, सेकेंड में, जितनी करेंट है आज के बाद यूनिवर्सली इन्होंने एम्पियर में एक्सेप्ट होगी, जितना टेम्परेचर है उसको यूनिवर्सली केल्विन में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 दो और बचे हैं, दो और थे, दो और क्या प्रेशर थे? की प्रेशर नहीं, प्रेशर तो डिराइव्ड है बेटा, फंडामेंटल की बात करी ना, डिराइव तो अपन खुद बनाएंगे। और क्या बताई थी इन्होंने, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट, हाँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एग्जैक्टली, इन्होंने कहा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में नापोगे, मोल में, और दूसरा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यस ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन्होंने कहा भैया कैंडला में नापोगे, सीडी कैंडला। तो इन्होंने यूनिट के नाम दिए और उनके सिंबल भी दिए, किलोग्राम का सिंबल के स्मॉल जी, मीटर का सिंबल स्मॉल एम, ठीक है ना, टाइम का सिंबल स्मॉल एस, एम्पियर का सिंबल ए, केल्विन का सिंबल कैपिटल के, मोल का सिंबल एम ओ एल, और कैंडला का सिंबल सी स्मॉल डी। नाम है कैंडला और सिंबल दिया सी स्मॉल डी। तो इन्होंने 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी दी, 7, और क्या है, इन्हीं से पूरी फिजिक्स की दुनिया चलेगी। और डिराइव्ड तो बनाना हमारा काम है ना, डिराइव तो हम बनाएंगे, लो डिराइव बना के दिखाता हूँ मैं आपके सामने। मैंने कहा भैया स्पीड की डिराइव यूनिट बना दो, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है भैया, डिस्टेंस तो एक तरीके की लेंथ है, तो लेंथ को किस में नापोगे, मीटर में, और टाइम को किस में नापोगे, सेकेंड में। तो आंसर क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज द यूनिट ऑफ स्पीड। बोलो क्लियर? यस yes, तो यूनिट ऑफ स्पीड बन गए मीटर पर सेकेंड, बट ये डिराइव क्वांटिटी है, फिजिकल नहीं है, क्योंकि ये विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बनी है। तो सीखने की बात ये है कि यहाँ पर आके, इस मोमेंट पे आके, यहाँ पर आके जो SI है, SI ने अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और उसने कहा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। उसके अलावा SI ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा 2 और क्वांटिटी बताई, जिनकी 2 यूनिट बताई। क्वांटिटी तो पहले से एग्जिस्ट थी, तो SI ने कहा कि मैं 2 और क्वांटिटी बता रहा हूँ। एक उसने क्वांटिटी बताई जिसका नाम है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल बच्चों वही एंगल है जो आज तक आप मेज़र करते आ रहे हो, जिसको आपने थीटा से लिखा है। तो थीटा क्या लिखा था, थीटा इज इक्वल टू, आपने प्लेन एंगल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर अपॉन रेडियस। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बच्चों? यस सर। हाँ, ये एंगल निकालते हैं ना, ये एंगल ऐसे निकालते हैं, तो ये होता है आर्क, ये होती है रेडियस। सो आर्क अपॉन रेडियस ये होता है प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब देखो आर्क भी किस में नापोगे, सेंटीमीटर में, रेडियस भी किस में नापोगे, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो लॉजिकली तो देखा जाए तो इसकी कोई यूनिट नहीं हो रही है, मगर फिजिक्स में इसका इतना ज़्यादा यूज़ है, इन्होंने अपने अधिकार का, पावर का इस्तेमाल करते हुए कहा नहीं, यूनिट ना होने के बावजूद भी हम डिसाइड करते हैं कि प्लेन एंगल को नापा जाएगा रेडियन सिस्टम में। किस में नापा जाएगा बच्चों? रेडियन में। रेडियन में, ये हो गया प्लेन एंगल। एक और एंगल आता है बच्चा, जिसका नाम है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, इन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए कहा कि सॉलिड एंगल को भी हम एक यूनिट में नापेंगे जिसका नाम है स्टेरेडियन। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से SI ने, आप अपनी बुक ओपन करिए और देखिए, SI ने एक सिस्टम दिया जिसमें 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, इनको बोला गया सप्लीमेंट्री यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट का इन्होंने एक ज़बरदस्त सिस्टम प्रोड्यूस किया। सो आज की क्लास यही थी, इसमें हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स। होमवर्क लिखिए, NCERT रीड कल करके लेके आना है आपको। मैं ग्रुप में नोट्स पहले भी दे चुका हूँ, आज फिर से मैं नोट्स दे दूंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों? यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, क्लास 11th यहीं तक है, अब 9th चलेगी, तो 9th के बच्चे भेज दो। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हर्षिता नहीं प्रगति, मैसेज कर दो बेटा। यस सर।